नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। मिया खलीफा काफी पॉपुलर नाम है, सोशल मीडिया से लेकर लोगों के फोन की गैलरी तक हर जगह इनकी पहुंच है। ये एक ऐसी फेमस पॉर्न स्टार रही जिन्हें इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। अब रही इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ दी है और पॉर्न इंडस्ट्री छोड़कर नौकरी चाकरी कर रही है बाकायदा ठाट से। लेकिन ये इनके लिए आसान नहीं था। अब कहावत है ना कि आपका किया हुआ आपका पीछा नहीं छोड़ता। मिया खलीफा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने इंडस्ट्री तो छोड़ दी लेकिन लोगों के बीच एक इनकी ऐसी छवि बनी हुई है जैसे वो पॉर्न इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रही है और एक पॉर्न स्टार ही है वो। मिया खलीफा ने एक इंटरव्यू के दौरान तमाम तरह की बातें शेयर की जिससे उन्हें हर दिन दो चार होना पड़ता है। मिया खलीफा ने ट्विटर पर अपने इंटरव्यू का एक टीजर शेयर करते हुए लिखा कि लोगों को लगता है कि मैं पॉर्न से लाखों में कमाई कर रही हूँ, ये पूरी तरह से गलत है। मैंने इस इंडस्ट्री से कुल $12,000 की ही कमाई की, उसके बाद मुझे इस इंडस्ट्री से एक रुपया नहीं मिला। यहाँ तक कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ने के बाद नॉर्मल नौकरी पाने में भी काफ़ी दिक्कतें हुई, वो समय काफ़ी डरावना था। अब जितने डॉलर का जिक्र मिया खलीफा ने इसमें किया है यानी कि $12,000, अगर उसे रुपये में तोड़े तो ये बनता है कुल 8.5 लाख रुपए। अब सोचिए, इतना वीडियो चला, लोगों ने इतने डाउनलोड किए, अब 8.5 लाख रुपए। खैर, इस ट्वीट के बाद लोगों ने इस वीडियो पे कमेंट किए, क्या किए कि मिया झूठ बोल रही है, मुमकिन ही नहीं है इतना कम कमाई किया हो। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इतने वीडियो डाउनलोड्स हुए, इतनी कम कमाई मतलब ही नहीं है, मियाँ झूठ बोल रही है। मिया खलीफा बहुत फेमस है, लोगों ने ये भी कहा। मिया खलीफा ब्रांड इंडोर्समेंट के पैसे लेती है, लोगों ने ये भी कहा। खैर, वो तो खैर अपना मसला हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने पुराने बयान, जो बयान उन्होंने वीडियो के जरिए दिया या फिर जो उन्होंने इंटरव्यू में जो बातें कही, उस बात का समर्थन करते हुए मिया ने फिर से एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा, मुझे इस इंडस्ट्री में आने पर कभी भी करोड़ों का वादा नहीं किया गया था और ना ही मैं उम्मीद कर रही थी। मैं बस अपने बारे में और इंडस्ट्री के बारे में जो अफवाहें हैं उसे सही बता रही थी और उसे सही कर रही हूँ। मिया खलीफा ने साल 2014 में एडल्ट फिल्मों में एंट्री मारी थी। देखते ही देखते मिया इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली फेमस पॉर्न स्टार बन गई थी। वैसे मिया ने करियर की शुरुआत में ही अलग पहचान इसलिए बना ली थी क्योंकि उनकी एंट्री कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से हुई थी। जब उन्होंने पॉर्न फिल्मों में एक्टिंग शुरू की तो वो बुर्का पहनकर फिल्में शूट करती थी, जिसकी वजह से मिया के ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। यहां तक कि कई बार ईमेल और मैसेजेस के जरिए मिया को जान से मारने की धमकी तक दी गई थी। बहरहाल, अब वो इन सभी चीजों को पीछे छोड़कर नई जिंदगी जी रही है। वैसे तो नौकरी ढूंढने में इन्हें दिक्कत हुई लेकिन अभी किसी चैनल में स्पोर्ट्स कमेंटेटर की नौकरी कर रही है। इन्होंने सगाई भी कर ली है और इनका बॉयफ्रेंड किसी होटल में शेफ है। तो कुल मिलाकर मिया के इंटरव्यू में जो बातें हैं उन्हें जानकर पॉर्न इंडस्ट्री को लेकर लोगों के दिमाग में जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ लल्लनटॉप ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।